सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ा फ्लैश मैसेज आया है वो तमाम अतिथि शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज कर चुके हैं, कुछ प्रकार से उनमें गलतियां हो चुकी हैं, तो उनका सुधार का ऑप्शन आ चुका है और कैसे सुधार होगा इसको लेकर एक बड़ा अपडेट लोक शिक्षण संचालनालय कहें या GFMS पोर्टल कहें, आपको बताना चाहता हूं मित्रों। लगातार मेरे पास में कमेंट्स आ रहे थे, सर बताइए जो अतिथि शिक्षक हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी में कुछ गलतियां हुई हैं, पैनल में गलतियां हुई हैं, उनको सुधारा कैसे जा सकता है, इसको लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है भाइयों। और यहां पर आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, गेस्ट टीचर मैनेजमेंट सिस्टम, आवेदक द्वारा दर्ज पैनल एवं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी, संकुल प्राचार्य द्वारा रुटिपूर्ण सत्यापित होने पर रुटिपूर्ण सत्यापित जानकारी संशोधन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी के लोगों पर दिनांक 28/3/2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। उनका सुधार 28/3/2024 से होगा। और ये जो गलतियां संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी से जो गलतियां हुई हैं, कई भाइयों का अनुभव क्लेम नहीं हो रहा है। आज मेरे पास में एक फोन आया था, बताया गया था कि सर 2016-17 का क्लेम नहीं हो रहा है, 18-19 का क्लेम नहीं हो रहा है, इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई समस्या हो तो बताइए। आखिरकार मध्य प्रदेश के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षक हैं, मैंने पहले ही वीडियो में ये कह दिया था जिस दिन से ये जानकारी दर्ज हुई थी कि यह प्रक्रिया लंबी चलेगी, तो 28/3 से ये शुरू होगी, तो 10 या 15 दिन इसका काम चलेगा दोस्तों, और जुलाई तक ऐसा ही होता रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, महापंचायत के आदेश जो कि 50% आरक्षण और गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा को लेकर मांग की गई थी, लेकिन उसके आदेश जारी नहीं हुए, और ये तमाम GFMS पोर्टल को लेकर आदेश जारी हुए हैं, इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक परेशान हैं। फ्लैश मैसेज का मतलब क्या कहना चाहता है GFMS पोर्टल, वो तमाम अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी में कुछ गलतियां की हैं और संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी से कुछ गलतियां हुई थी, उनका सुधार जिला शिक्षा अधिकारी के यहां से होगा दोस्तों, और 28/3/2024 से ये सेवा उपलब्ध हो जाएगी। अब आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। ऐसे कितने भाई हैं जिनके अनुभव प्रमाण पत्र और दावा और शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अंक सूची है उसमें जो भी दिक्कत हुई है डालने में, ऐड हुई है GFMS पोर्टल से, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। लगातार जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। 2005 की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं अभी तक लगे हुए हैं, उनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है, उनका भी कहना है कि अब हमारी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज की जाए, इसको लेकर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं मित्रों। तो आप सभी कैसे हैं जरूर बताएं। और इस फ्लैश मैसेज के माध्यम से हमको यह ज्ञात होता है कि अब यह प्रक्रिया वास्तव में लंबी चलनी है, क्योंकि समस्याएं और उलझती जा रही हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और अब ऑफलाइन अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे मानदेय के अनुसार। जिनको ऑफलाइन मानदेय मिला था उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा, ऐसे भाई जिनको SMDC से मानदेय मिला है या संकुल से ऑफलाइन मानदेय मिला है उनका अनुभव प्रमाण पत्र भी बनेगा। कैसे बनेगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी फिर मैं आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और सभी भाइयों को जय श्री।